30th of October 2022 मैं निकल पड़ा था एक ट्रिप पे, घर से करीब 130 किलोमीटर दूर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कलासा जाने वाले होम स्टे में, सो लेट्स चेक आउट द होम स्टे। एंड बहुत दिनों बाद व्लॉग कर रहा हूँ। सो या अभी हम लोग इधर रुके थे तो थोड़ा सब स्टार्ट करने के लिए व्लॉग, और इसी तरह व्लॉग स्टार्ट करके हम निकल पड़े। कुछ देर इंतजार करने के बाद सारे दोस्त पास ही में एक लंच होम में मिले, और वहां से फिर सफर कंटिन्यू हुआ। अभी गाइस रुका चुके हैं हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, यहाँ पे कहीं तो कुद्रेमुखा के अंदर, और पीछे काफ़ी अच्छा व्यू है। एंड मैं और अरजीत स्कूटी में जा रहे हैं, बाकी सब पीछे i20 में चल रहे हैं, और ये है जीत। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। ಸರ್ ಎಂತೆಲ್ಲ ಐತ್ರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂತೆಲ್ಲ ಐತ್ರಿ? ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾ? ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿತಾರೆ. ಬರ್ತಿ ಬೇಬಿ. और फाइनली हम लोग अभी पहुंच चुके हैं होम स्टे। एंड ये हमें लगा था ये वाला होम स्टे है, बट ये नहीं है। और लोगों को लग रहा था ये वाला होम स्टे होगा, बट ये भी नहीं है। तो अभी थोड़ा सामने जाएंगे, बट यहाँ से जो व्यू था काफी अच्छा था। तो अभी फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होम स्टे में, और ये है पीछे होम स्टे। सो इधर तो फिर अगले दिन सुबह उठ के हम लोग वहां से ट्रैक करके जाने वाले ऊपर। और यहाँ पहुंचते ही पता चला नो नेटवर्क। पीछे इनका एक होमस्टे का मेन प्लेस है, और यहाँ पे आके हमने अभी लैंडलाइन से कॉल किया, और अभी स्कूटी में वापस जाने वाले हैं नीचे, जो कि यहाँ से जाएंगे। सो अनीश पोया कॉल करने के बाद वापस नीचे चले गए, और देखा कि सत्या के पैर को एक लीच ने काटा था। इधर आते ही एक लीच ने सत्या को काट दिया है। शाम के 6 बज रहे थे, और करने को कुछ था नहीं, क्योंकि ट्रैक तो अगले सुबह जाना था। तो हम सब होमस्टे से थोड़ा दूर ऐसे ही वॉक पे निकले। तो अभी थोड़ा ऐसे रूम से बाहर निकल के आए हम लोग, और पीछे सब लोग चल के जा रहे हैं। बस अभी शाम को थोड़ा क्या टाइम पास करे, क्या करे सोच के हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और जा रहे हैं। हम लोग चलते ही रहते हैं, टाइम पास करते ही रहते हैं। तभी फिर से सत्या को एक और लीच ने काट लिया। लगता है उसके चप्पल में ही लीच था। सूरज ढल गया, अंधेरा छा गया। जीत हमेशा की तरह फ्लेक्स करते हुए सभी मुड़ के वापस रूम की तरफ निकल पड़े, और तभी ये हुआ। तो अभी यार अभी हम लोग ऊपर आए थे, टाइम हो रहा है अराउंड 7:30, और हम लोग नीचे
भूत पे उधर जंगल में इनको भूत दिख गया। खैर ये सब मजाक था, भूत कुछ नहीं था, फिर भी हम सब चौकन्ना हो गए और जल्दी रूम पहुंच गए। सो गाइस अभी पीछे यहाँ पे हो रहा है बॉनफायर, और बॉनफायर अभी हुआ नहीं है, थोड़ा बुझ गया है। और यहाँ पे सामने हमारा होम स्टे है। एंड या इस इंडिया में एनीथिंग टू से हाय गाइस। क्या आदमी है दोस्तों के साथ ब्लॉग किया ऐसा ही होता है भाई। तो अभी बैठ चुके हैं यहाँ पर और सामने बॉनफायर जल रहा है एंड सभी लोग यहाँ पे ऐसे बैठ चुके हैं। ये सिर्फ हमेशा फ्लेक्सी करता रहता है। और ये साइड में यहाँ पे प्रसन्ना, प्रसन्ना से ऐड द ब्लॉग एवरीवन, लेट्स एंजॉय दिस। एंड या और थोड़ी देर बॉनफायर के पास बैठने के बाद हम लोगों ने टिक्का सेटअप किया। और फिर सभी लोग साथ में डिनर करने ऊपर चले गए। सो अभी डिनर करने बैठ गए हम लोग, सभी लोग अरेंजमेंट। डिनर काफी सिंपल था, टिक्का, चपाती बाजी, फिर राइस सार और पिकल। अपार्ट फ्रॉम द टिक्का एवरीथिंग एल्स वाज प्रोवाइडेड बाय द होम स्टे। अभी डिनर हो चुका है और सभी लोग यहाँ पे आके बैठ चुके हैं। या अभी तो फिलहाल बॉनफायर का ये हालत है, तो इसको अभी फिर से जलाना है। आई थिंक आई सी यू ऑल टुमारो मॉर्निंग, बिकॉज इसके बाद तो हम लोग सब सोने वाले हैं। नहीं नहीं सोने वाले, हम नहीं सोने वाले, मजे करेंगे बट दिखा नहीं पाऊंगा मैं व्लॉग पे, क्योंकि इस वक्त कैमरा को साइड में रख के मुझे भी मजे करने थे। सो टिल देन सी यू ऑल इन पार्ट 2 कैसल मक्की हिल्स ट्रैक।